जितेंद्र कहाँ से हो आप? सर मैं चंडीगढ़ से हूँ सर। चंडीगढ़ से हो, उससे पहले आप क्या काम करते थे? सर मैं फार्मा लाइन में था। फार्मा लाइन में थे, बिल्कुल मेडिसिन लाइन में। मेडिसिन लाइन से मार्केटिंग करते थे। मार्केटिंग करते थे, मतलब आप मैं इनका नॉलेज सोच सकता हूँ क्योंकि मेडिसिन लाइन में भी बहुत तगड़ा नॉलेज चाहिए, है ना? हर दवाइयों का नॉलेज, डॉक्टर से बात करने की टेक्निक, सारी चीज है। तो आपको लगा कि मोबाइल इंडस्ट्री में एक जॉब ओरिएंटेड कंपनी है ये, है ना? अभी नया मार्केट में यही आ रहा है, हर आदमी दो दो तीन तीन साइड लेके घूम रहा है। तो आपको लगा कि क्यों आपने पहले आईफोन नहीं किया? आपके पंजाब में तो आईफोन बहुत आता है, क्यों आपने सोचा कि मैं एंड्रॉइड कर लूं? सर पता क्या है, पहले अगर हम आईफोन करेंगे तो सर मुझे लगता है कि हम सीख नहीं पाएंगे, एंड्रॉइड करना जरूरी है पहले। अच्छा, एंड्रॉइड से हम आगे जा सकते हैं, एंड्रॉइड से आगे आईफोन में जा सकते हैं। क्योंकि अगर हम मोबाइल को डीपली जानेंगे नहीं सर, बता मोबाइल के अंदर क्या होता है, कैसा कैसा नॉलेज नहीं लेंगे, नहीं लेंगे आईफोन जो जान नहीं पाएंगे। मैंने एंड्रॉइड पकड़ा तो एंड्रॉइड, फिर क्या होता आईफोन करने के बाद, फिर ये बोलते हैं कि मैं एंड्रॉइड करता नहीं भाई, एंड्रॉइड। फिर अगर चार आईफोन आ गए उसके बाद एंड्रॉइड को सब मना करते जाते हैं, मना करते जाते हैं। भाई काम तो काम है ना, हर तरह का काम आता है। सो मुझे बताओ कि यहाँ आने के बाद में क्या आपको रिजल्ट निकला? सर बिल्कुल, मैं 0% नॉलेज लेके आया था सर यहाँ पे, मतलब स्टार्टिंग में सर, और एसेट 100% हमें दिया है सर, मुझे दिया पर्सनली, मैं बात करूँ मुझे दिया। अगर मैं वहाँ जाऊँगा 30% भी लेके जाऊँगी, मेरा माइंड के ऊपर डिपेंड करता है मैंने कितना कैप्चर किया है, हैंडसम पर डिपेंड करता है। आप बिल्कुल फ्रेशर थे? बिल्कुल फ्रेशर था, 0%। आपने पीसीबी पे काम ही नहीं किया? बिल्कुल काम ही नहीं। आपने लाइव आईसी निकाल के लगाई है? लाइव आईसी निकाल के, ब्लैक टेस्टेड फीचर वाइपर शाल निकाल के लगाया। फ्रेशर होने के बाद भी बिल्कुल, कैसा लगता होगा कि जो स्टूडेंट यहाँ पे बोलता है कि मैं 4 साल से 8 साल से काम किया, वो भी आपके सामने आई? बिल्कुल सर, वो यहाँ जब आके सर वो भी सर मुझे जीरो से स्टार्ट कर रहे होते, क्योंकि वो काम जो मार्केट का काम बेसिक काम होता है, बेसिक काम होता है, आने पर जो सिखाया जाता है प्रॉपर नॉलेज में एडवांस तक सिखाया जाता है। तो पूरी टीम का सहयोग या फिर टाइमिंग की बात या खाने की बात या हॉस्टल की बात, सब ए टू जेड सर, फैसिलिटी सर बहुत बढ़िया सर, पढ़ाने का सबसे सर चाहे दुर्गेश सर का, फिरोज सर का, आपको जो थ्योरी है सर, सबसे पहले सबसे थ्योरी से स्टार्ट होता है सर, जिससे हमारा नॉलेज बढ़ता है सर। 2-4 दिन थोड़ा समझने में दिक्कत होती है, लेकिन सर वो बाद में बहुत काम आता है। क्यों होती है समझ में? क्योंकि हमने अभी नया चालू किया, ये हमारे लिए एकदम नया है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, ये होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अब मुझे जाके समझ में आ रहा है सर कि हमने क्यों सीखा था, क्यों काम आ रहा है। तब तो मेडिसिन लाइन में गए होंगे, तब तो मैं 1-2 दिन में कुछ समझ में नहीं आया होगा, धीरे धीरे उसके बाद समझ में आया होगा ना। कुछ भी चीज करने के लिए टाइम चाहिए ना, तो 10 दिन में और ऑनलाइन घर में बैठ के क्यों नहीं किया? सोचा कि कोरोना चल रहा है, 10 दिन में मैंने कहा था 10 दिन में कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि 5-7 दिन समझने में लगते, समझने में लगते, हो सकता है वहाँ से कुछ अलग तरीके से कराते हैं, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है। अगर आप फुट पर बैसे करोगे नहीं सर, आप अगर जीरो से स्टार्ट नहीं करोगे, पता नहीं कंपोनेंट्स के बारे में जानना, क्योंकि एक एक सेक्शन को एक दिन लगा है। बिल्कुल सर, पूरा पूरा आपने थ्योरी समझा, फिर उसका प्रैक्टिकल काम किया, पूरा प्रैक्टिकल काम किया सर, बताओ यहाँ आके मतलब ये होता है कितना कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आ गया कि सर मैं जाके कर सकता हूँ। अगर मुझे 100% सिखाया है, 30% से 40% में आगे लेके क्या बोलोगे पंजाब से कोई नया स्टूडेंट पेंशन के आ सकता है? बिल्कुल, और जो सीखना चाहता है सर, डीपली जाना चाहता है सर, जो सीरियस होके करना चाहता है, सीरियस होके वो यहाँ के सीख, जो डीपली नॉलेज में आईसी का नॉलेज है, स्कीमेटिक नॉलेज, बिल्कुल सर वो आगे सीख सकता है। अगर उसने टाइम पास करना है, टाइम पास क्या होता है थोड़ा बताओ? टाइम पास ये होता है सर, बंदे बोलते हैं भाई हम इस लाइन में जाना है, पैसा बहुत है, उनको पता नहीं होता, इसमें मेहनत भी करना पड़ता है। अगर मेहनत नहीं करता सर, फिर उसको फायदा नहीं, बताओ मेहनत करना, और आप सिखाते हो सर उसको आगे लेके नहीं जाते सर, उसको बेनिफिट नहीं, सर फायदा नहीं। हाँ मतलब वो 4 दिन वाली जिम होती है ना, जो सलमान खान की पिक्चर देखकर लगता है कि भाई जिम कर लूं, हां वो 4 दिन बाद बोलता है हमसे नहीं हो पाएगा, तो वो वाली है। वो क्या करते हैं, एसीआई इनकम में 100% दिया जाता है सर, उसके बाद बंदे इसको कैप्चर करता है, फुट पर नले से लेता है सर, तो 100% जवाब दे जा सकता है सर, काम कर सकता है। बिल्कुल, मैं क्योंकि फ्रेशर हूं सर, मैं पहले 0% में सर, मैं इतना कहता हूं सर स्टार्टिंग में करूंगा तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस में कर सकता हूं सर। अभी घर पे बात होती है तो पूछते होंगे कि तुम इतनी दूर गए तो अब तुम सेटिस्फाई हो कि नहीं हो, क्या बोलते हैं वो? बिल्कुल सर, हम घर पे बात करते हैं, घर वाले कहते हैं तुम बिल्कुल सही जगह, तुम्हें वहाँ पे मेहनत करना, ऐसा नहीं है तुम वहाँ पे घूमने नहीं गए, तुम पढ़ने के लिए हमें गाइड करते हैं, जैसे आप लोग यहाँ पे करते हैं, तो हम काम प्रॉपर करते हैं सर। यहाँ डिसिप्लिन कैसा है? बहुत बढ़िया सर, बहुत मैनेज होना बहुत जरूरी है सर, डिसिप्लिन नहीं होगा सर, अगर एक होता है कि सर कुछ इंस्टीट्यूट में ऐसा होता है सर कि फ्रेंक के लिए पढ़ाया जाता है तो बंदा उसको फिर वो नहीं करता, डिप्ली नहीं जा पाता, उसको बहुत सीरियसली लेता नहीं, बताओ तो सीख नहीं पाता, लेकिन यहाँ ऐसा है सर कि प्रॉपर वे पे सिखाया जाता है सर, बंदा सीखता भी सर, सीरियसनेस से सीखता भी सर, करता भी। इसलिए टेलीकॉम में आना तो डिसिप्लिन बनकर आना, बिल्कुल सही, डिसिप्लिन से आना और सीखने के लिए भी आना, मतलब डिसिप्लिन सिर्फ इसके लिए है कि आप ध्यान लगा के सीखो, मतलब स्टूडेंट के लिए सर, स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट के लिए सर, यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि खड़े हो रहो ये रहो तनके रहो, ऐसा कुछ नहीं है, डिसिप्लिन है, टाइम का डिसिप्लिन है कि आपका फोकस आपके जो काम बताया जा रहा है उस पर है, क्योंकि वो उसके बाद फिर दूसरी बार मिलना बहुत दिक्कत की बात है, क्योंकि हम डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं तो अपने लिए सर आगे बहुत काम है। इतने हजारों किलोमीटर से आए तो यहाँ पर आप मस्करी करनी तो आए नहीं है ना? चलो ठीक है, थैंक यू।